मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग के सफलता के विषय में कुछ पिलर्स के विषय में बताना चाह रहा हूँ, जिससे आप अपने बिजनेस को जो है डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे। जब आप किसी को ज्वाइन करवा देते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद आपका काम क्या होता है, आपका नेक्स्ट काम होता है उसे काउंसलिंग करना, उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, कंप्लीट प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, सारी चीज़ों के विषय में, और खास ध्यान ये रखना है कि प्लान दिखाने के बाद उसके ड्रीम के विषय पे बात करना और उसके इच्छा और अनिच्छा के विषय में बात करना, उसके ड्रीम फोकस करने के बाद उसे टेक्निकली भी इन्फॉर्म करना कि किस तरीके से जो है वो आगे बिजनेस में लेके जाए, उसके प्लान मेंटर्स, उसके जो टेक्निकल जितने भी चीज़ों को उसे अपडेट करना बहुत जरूरी है। जब आप उसे अपडेट करते हैं डिजिटली, तब उसे आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से ज्वाइन करवाना है, किस तरीके से बिजनेस को देखना है। उसके बाद का जो स्टेप होता है उसे तुरंत आप जो है प्रोडक्ट खरीदवा दें, यूज़ करने के लिए। जब वो यूज़ करता है प्रोडक्ट, तो यूज़ करने के बाद वो सेटिस्फाइड जब बनेगा, तब वो नेक्स्ट स्टेप उसे फास्टली आप लिस्ट बिल्डिंग के ओर लेके चले जाएँ। उसे कुछ 4-5 लिस्ट बिल्ड करने के बाद आप तुरंत उसे प्लान शो करने के उपाय बताएं कि प्लान शो कैसे किया जाता है। जब वो प्लान शो 2-3 अपने लिस्ट बिल्डिंग के साथ वाले लोगों के साथ करता है, तब उसे बिजनेस एक्सपोजर उसे मिलता है। नेक्स्ट जो है, जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं या उसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट को शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो शेयरिंग जो है वो कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके बाद जो एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि मीटिंग अटेंड करें। आज जूम जैसे मीटिंग वो अटेंड कर सकता है वो घर बैठ करके लॉकडाउन में।